हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता और मैं इस टाइम जूनियर असिस्टेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा इस बार एसएससी सीजीएल का 7वां अटेम्प्ट था और 7वां अटेम्प्ट भी मेरा खराब गया। उस टाइम तक आंसर की नहीं आया हुआ था, इस वजह से मैं आपको अपना स्कोर नहीं बता पाया था। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपने सारे सेक्शन में कि कितने कितने नंबर आए मेरे, टोटल स्कोर भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और किन गलतियों की वजह से मेरे इतने कम स्कोर आए, इस चीज को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आप सभी लोग 2024 के लिए तैयारी में लगे हैं। तो स्ट्रेटजी तो आपको सब कोई बता रहा है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्कोर कितना रहा। तो इस बार जो मेरा स्कोर है वो है 260 नंबर, काफी कम है। 7वें अटेम्प्ट के बावजूद मेरा इतना खराब स्कोर रहा। पिछली बार मेरे 265 नंबर थे, तो मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल ख्याल तक भी नहीं आया था कि इतना कम स्कोर हो सकता है मेरा, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी मेरे कभी इतने कम नंबर नहीं आए, ठीक है? तो ये मेरे लिए बेहद ही, मैं कहूँगा कि सरप्राइजिंग रहा एक तरह से। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा मैथ्स वाला सेक्शन खराब गया था, हालांकि सबका खराब गया था, लेकिन फिर भी लोग जो मैनेज कर ले गए उस प्रेशर को, वो आज सफल हो गए। जो जो नहीं मैनेज कर पाए जैसे मैं हूँ, वो असफल हो गए इस एग्जाम में। अब जैसे मैथ मेरा खराब हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो मुझे क्वेश्चन आ ही रहे थे ना, वो भी जल्दबाजी मैंने ऑप्शन गलत चूज कर लिए, तो मेरे इस वजह से मैथ्स में केवल 22 कर पाया था, उसके बावजूद भी 5 और गलत हो गए उसमें, तो केवल 17 सही है मेरे। तो मैथ्स में मैं कहूंगा कि इतना कम स्कोर मेरा आज तक किसी मॉक टेस्ट में भी नहीं आया मैथ्स में, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए, ठीक है? इंग्लिश का क्या रहा कि इंग्लिश में मैं करके तो पूरा आया था और एग्जाम टाइम में बिल्कुल नहीं लगा था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। कैसे गलत हो गए मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या मतलब। एक चीज है कि जब आप परेशान रहोगे, जब आपका माइंड जो है उस समय प्रेजेंट नहीं रहेगा जिस टाइम आप पेपर दे रहे हो, जब आपके मन में ये आता रहेगा कि यार खराब हो गया इस बार में गया, तो फिर सारी चीजें गलती होंगी। सबसे बढ़िया जो सेक्शन रहा मेरे लिए वो जीके का मैं कहूंगा, क्योंकि जीके पिछली बार मैं 14 क्वेश्चन करके आया था जिसमें से 11 सही हुए थे, इस बार मैं जीके में 23 क्वेश्चन करके आया था और 17 क्वेश्चन सही हुए हैं, 6 क्वेश्चन केवल गलत हुए हैं जीके में। तो मैं कहूंगा कि जीके में तो खैर प्रोग्रेस हो गया, लेकिन और सब्जेक्ट बहुत ही खराब हो गए मेरे। रीजनिंग ठीक रहा, रीजनिंग में भी 4 क्वेश्चन पता नहीं कैसे गलत हो गया यार, 26 क्वेश्चन खैर उसमें सही है। तो कुल मिला जुला के इस बार भी मैं रह गया, और इस बार थोड़ा सा मेहनत कर रहा था यार मैंने, ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब 2024, जैसा कि 2024 के लिए हमारे पास 5-6 महीने का जो समय है, इसमें हमें अपनी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। जो गलतियां मैंने की वो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा रीजन मेरा क्या रहा कि मेरा ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने का, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो एनालिसिस करा अपना कि क्या क्या रीजन रहे जिसकी वजह से मेरा ये नहीं हो पाया है। तो पहला रीजन तो ये कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, ठीक है? पिछली बार मैथ्स बहुत आसान आया था, तो मैंने इस बार मैथ्स पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा कि मैथ्स में टाइम देने का कोई मतलब है नहीं, जीके वो पढ़ लेते हैं, जीएस पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, वो सही रहेगा। मैथ्स तो वैसे भी आसान आ रहा था, मॉक टेस्ट में भी हो जा रहा था सारे क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब है नहीं। ये सबसे बड़ी गलती रही मुझे। एक चीज़ अब ये भी समझ में आ गई, अगर मैथ्स में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो प्रेशर जो है झेलना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथ्स और जीके में तो, मैथ्स और रीजनिंग में तो सब अच्छा करते हैं, ठीक है? तो मैथ्स को बस यही रहना है, सेम पैटर्न को फॉलो करने के चक्कर में गड़बड़ हुआ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब आप रिपीटर होते हो, ठीक है, रिपीटर के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि मुझे सब आता है, ये सबसे बड़ी गलती है। मैं जब पढ़ने बैठता था मुझे लगता था यार ये तो मैंने कितनी बार कर रखा है, इसको क्या ही पढ़ना, ये तो हो जाता है मेरे से। बस यही रीजन रहा कि उसको मैं छोड़ता गया, ठीक है? और जब क्वेश्चन सामने आ गया तो जब करने बैठा ये कॉन्फिडेंस देता तो हो जाएगा, जब करने बैठा तो नहीं हो रहा, तो वो अलग एक प्रेशर दे देता है। तो आपको मैं एक चीज ये बता दूं, जो आपको लगे कि आ रहा है ना उसको भी छोड़ो मत। और एक सबसे बड़ी जो मेरी गलती रही है, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, कंसिस्टेंसी नहीं रही है मेरे पूरे तैयारी के दौरान, ठीक है? जैसे मैं सर्विस में हूं तो किसी किसी दिन ऑफिस में हो सकता है मूड खराब हो जाए तो आके नहीं पढ़ पाता हूँ, और फिर एक दो दिन जब गैप होता है तो कभी कभी लंबा गैप भी हो जाता है, कभी घर चला गया हफ्ते दो हफ्ते के लिए तो फिर वो भी गैप हो जाता है, क्योंकि घर पे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर पाता हूँ। तो ये सब चीज़ें रही, अगर कंसिस्टेंसी रहती मेरी तो
अच्छा कर पाता मैं, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और फिर जब 20 दिन का गैप हो जाए बीच में आपका, तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो सारा भूल ही जाता है एक तरह से, भले ही आपको लगे कि नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे गायब भी हो जाता है दिमाग से। तो ये सब चीज़ें रही, और मैं क्या ही बोलूँ, मन तो उदास है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। हालांकि जॉब कर रहा हूँ लेकिन सीजीएल यार मेरे लिए इतना टाइम दिया है तो ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, 2024 के लिए करूंगा मैं। अरे अरविंद जी, हाँ ब्रो, क्या हो गया भाई? खुश नहीं यार, वो सीजीएल का पेपर मेरा खराब हो गया। मेरा रूममेट था एक से, हाँ रूममेट, उसको मैंने कॉल करा, मैंने कहा भाई यार मेरा खराब हो गया, उसने कहा मेरा हो गया, मैंने कहा चलो अच्छा है, बधाई मैंने दिया। फिर कह रहा है यार लेकिन मेरे इंग्लिश में एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसका अफसोस हो रहा है। मैंने कहा भाई मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यार लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे साउथ भेज देगा। मैंने कहा साले तुम्हें जहन्नुम में भेज दे, मेरा दिमाग मत खराब करो, यहाँ पेपर नहीं निकला और तुम ड्रामा कर रहे हो हमसे। तो साउथ में तो अगर तुमको 2800 ग्रेड पे मिलेगा तुम चले जाओगे ना, यहाँ तुम 2000 ग्रेड पे में हो, नहीं 4 साल यार की नौकरी पूरी कर लियो, उसके बाद ना, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, आगे बढ़ने की वो मिलेगी, नई नई चीजें, नई नई, हो सकता है लैंग्वेज भी सीखने को मिल जाए, नया कल्चर, वो चीजें तो ठीक है नई लेकिन जगह, एक कंफर्टेबल जोन में हूं मैं, तो वहां से निकलने में थोड़ा तकलीफ रहती बस है। इसलिए आज तुम उदास हो, क्योंकि हर इंसान अगर अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा वो उसी का आदि रहेगा, फिर वो बहुत ही मुश्किल होता है आगे बढ़ना। हम लेकिन असलियत यही है कि जब तक हम घिसेंगे नहीं तब तक उसमें चमक नहीं लेकिन आएगी। नहीं हुआ तो इसका क्या ऑप्शन है? दो चीज है, ठीक है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बैठ के अफसोस करो या दारू पी लो। दारू तो पीते नहीं, अफसोस कर सकते हो, अफसोस करने से कुछ मिलेगा नहीं, दारू पीने से थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, तो वो तुम करोगे नहीं है ना, क्योंकि दोनों चीजें हमारे उसमें नहीं आता है, हम नहीं कर सकते उसको। तो बेहतर यही है, ठीक है, चिल मारो, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते पूरा फुल एंजॉय करो कर लिया भाई, कल लाइफ मैं में। 5-6 घंटे केवल शॉर्ट्स देखा हूँ, टाइम। शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स देखने से तो और सर दर्द होता है। हाँ तो कुछ वही फिजिकल बस, एक्टिविटी करो, कुछ अलग करो, घूमो टहलो, कहीं चलो, खजुराहो चलो, आपकी खजुराहो बार चलते हैं। भी चलो, बहुत सारे तुम जैसे बहुत सारे लोग होंगे, जितना एफर्ट तुम डाले हो उससे लाख गुना सामने वाला बंदा हाँ डाला होगा, ये तो मैं मान रहा जो भी हूँ। वीडियो देख रहा होगा उसमें से हाँ ऐसे कुछ लोग होंगे कि ये देखो ये ज्ञान बांटने आ गए। अलग चीज है, ज्ञान तो हर जगह से आदमी ले लेता है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप जो अभी देख रहे हो आपने इनसे बहुत ज्यादा प्रयास किया हो और बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी फेल हो गए। अब कहीं ना कोई कारण रहा अच्छा होगा। मैं बता भले ही रहा हूँ, 7वां अटेम्प्ट है मेरा, लेकिन 7वें अटेम्प्ट में सीरियस बस 2 ही बार हुआ हूँ, एक 2018 वाले में और एक 2023 वाले हाँ में। तो 2018 में तुम्हारे में कंसिस्टेंसी थी, तुम लगातार कर 2018 रहे वाले थे, में फाइनल से बाहर हुआ था, 1, 2, टीयर 1, 2, 3 तीनों हुआ था मेरा, ठीक फाइनल है, मेरिट से बाहर हुआ उस था। समय वैकेंसी कम और उस थी। समय तैयारी मेरी, उस समय वही तो तैयारी का लेवल था, उस टाइम उसी टाइम हाँ शुरू करा था मैंने तो वही तैयारी चीज ना, करना। उस समय तुम थे, कंसिस्टेंसी थी तुम्हारे अंदर, लेकिन अब जॉब भी है, यूट्यूब भी है, चेहरी में नौकरी कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नौकरी कर रहे हो तुम, ठीक है, भाई सेटिस्फाइड नहीं सीजीएल हो। के लिए मैंने पता है यूट्यूब अपना बंद रखा, ये 6-7 महीने में यूट्यूब बंद रखा हूँ हाँ अपना। बताओ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे पास जिसमें इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, अब तुम एक अंदाजा ये लगाओ जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हारे जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तुम्हारे कौन से हैं? यही एजुकेशन वाले हैं एजुकेशन बस, वाले उनको हैं। गाइड ही कर अब रहा हूँ तुम मैं। एक आइडिया यही लगाओ कि तुम्हारे सामने इतने कंपटीटर हैं, जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं उतने जो है कंपटीटर है तुम्हारे सामने, जितना तुम उदास हो उससे लाख गुना उदास सामने वाला होगा जिसके पास ना जॉब है ना ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो उदास होगा, ठीक है, तो उदास नहीं, ठीक वो हाथ पे हाथ रख के तो बैठा नहीं होगा, वो भी कोशिश करेगा आगे उठ के, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा बेस्ट विशेस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी तैयारी के दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी है, एक रफ आइडिया आपको हो गया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक 2024 के लिए पूरी डिटेल प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, बाय।